हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बीटी चैनल। आज हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, एन एस्टिमेट इज पहला क्या है? ऑप्शन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर, या जो स्ट्रक्चर की एक्चुअल कॉस्ट है वो हो सकता है, या द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अरेव्ड एट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो हमने कॉस्ट अपनी एक बताई है, अमाउंट, लमसम अमाउंट बताया है, या वो हो सकता है एस्टीमेट, या सी हो सकता है रैंडम गेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एस्टीमेट जो होता है, एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट जो होता है, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट अपना शुरू कराया, या हमने सोचा कि हमें अपना घर ही बनाना है, तो वो शुरू कराने से पहले जो हमने एक कॉस्ट का अपने अनुमान लगाया कि हमारे प्रोजेक्ट में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, द प्रोबेबल कॉस्ट अरेव्ड एट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो कॉस्ट, एक प्रोबेबल कॉस्ट जो निकल के आती है स्ट्रक्चर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टीमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एस्टीमेट का, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज मोस्ट करेक्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है लेंथ एरिया एस्टीमेट, बी क्या है क्यूबिक रेट एस्टीमेट, और सी क्या है हमारा डिटेल एस्टीमेट, और डी क्या है बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टीमेट। सबसे पहले हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट की बात करते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता क्या है, बेसिकली प्लिंथ एरिया एस्टीमेट मान लीजिए कि हमारी क्या है, ये हमारा पूरा प्लॉट है। ठीक है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करानी है। इस प्लॉट में हमने इतने एरिया में अपना मकान बनाया या घर बनाया, जो भी बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है सिर्फ प्लिंथ एरिया का ही कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें और जब हम प्लिंथ एरिया का कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो ओपन स्पेसेस होते हैं, जैसे कि ओपन स्पेस, जैसे कि आपका कोर्ट यार्ड हो गया, कोर्ट यार्ड को हम आंगन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और कोर्ट यार्ड वगैरह को हम इसमें कंसीडर्ड नहीं करते। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बोलते हैं। और जो हमारा बी है, बी वाला क्या ऑप्शन है, वो है क्यूबिक रेट एस्टीमेट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्यूबिक रेट एस्टीमेट जब हम क्यूबिक रेट एस्टीमेट करते हैं, इसमें जो है हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए, फिर ब्रेथ चाहिए, फिर उसकी जो हम हाइट कहाँ तक लेते हैं, जो हम बिल्डिंग की जो अपनी फ्लोर तक की हाइट हम लेते हैं। ठीक है, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और फ्लोर तक की हाइट लेते हैं, उसमें हम क्यूबिकल एस्टीमेट निकालते हैं, उसमें जिसमें हम फ्लोर की, एक तो बिल्डिंग की हमें लेंथ पता होती है, फिर उसकी हम ब्रेथ निकालते हैं, फिर उसकी हाइट हम लेते हैं फ्लोर तक की। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक रेट एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है, और सर डिटेल एस्टीमेट जो होता है, ये एस्टीमेट जो होता है सबसे अच्छा एस्टीमेट माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रिलायबल होता है, ज़्यादातर एस्टीमेट यही हम यूज करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है ये डिटेल एस्टीमेट। ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टीमेट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू का कौन सा ऑप्शन होगा, डिटेल एस्टीमेट इज द वे, डिटेल एस्टीमेट जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द एक्सपेंस ऑफ आइटम विच डू नॉट कम अंडर एनी रेगुलर हेड ऑफ आइटम एट द कॉस्ट ऑफ अनफोरसीन आइटम आर कॉल्ड। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, लमसम या कस्टोमेट्री चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज या कॉन्टीजेंसी चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कभी हम एस्टीमेट अगर हम तैयार करते हैं, जैसे हमने एस्टीमेट बनाया, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो प्रोजेक्ट में कभी भी जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता उस आइटम के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, अनफोर्सीन आइटम बोलते हैं, या
वो जो उससे जो कॉस्ट निकल के आती है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उसका उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसीज बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या होता है, कॉन्टीजेंसीज इसमें होता ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे प्रोजेक्ट के लिए हमने कोई मशीन लेके आए, ठीक है, मशीन जब हमने ख़रीद के लाए, ठीक है, तो न्यू मशीन हमने ख़रीद के लाया। अब मशीन हम ख़रीद के लाए, मशीन जो है कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, ख़राब हो गई, एक दो महीने चली उसके बाद ख़राब हो गई। अब जो मशीन को सही कराने में जो कॉस्ट लग रही है, ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो ये तो हमें पता नहीं था कि मशीन हम ले आएंगे मशीन ख़राब हो जाएगी। तो ये जो आइटम्स के, जो आइटम के बारे में पता नहीं होता, उसी आइटम्स को हम अनफोर्सिन आइटम्स बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसीज बोलते हैं। ठीक है, जब हम इस्टीमेट बनाते हैं, इस्टीमेट बनाने से पहले कुछ ऐसे, जब हम इस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें जो है कॉन्टीजेंसीज के लिए, अनफोर्सीन आइटम्स के लिए जो होता है, वो हम 3 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 3-5% लेके चलते हैं। ठीक है, इतना हमारा ये कॉन्टीजेंसीज में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग और समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। इसमें देखिए, जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ, हमने प्रोजेक्ट शुरू कराया जनवरी के माह में, जैन में हमने प्रोजेक्ट शुरू कराया। ठीक है, अब हम जब जुलाई में जैन में हमने काम शुरू कराया, उस टाइम जो मार्केट में जो रेट चल रहा था, जो आपका कोर सैंड था, फाइन सैंड था, ये जो स्टील का रेट था, मान लीजिए स्टील का रेट उस टाइम कुछ और चल रहा था। ठीक है, अब हम जब जुलाई में गए तो स्टील का रेट क्या हुआ, वहाँ पे ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। तो अब ये जो आइटम्स का रेट बढ़ गया, उसी आइटम्स के रेट को हम क्या बोलते हैं, अब जो वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, उसी एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टीजेंसीज आइटम्स में वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता नहीं था कि जुलाई में इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वही जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसीज आइटम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसका हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इन एनालिसिस ऑफ रेट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टूवर्ड वाटर चार्ज। ठीक है, जब हम एनालिसिस ऑफ रेट का एनालाइज करते हैं, तो उसमें परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, मान लीजिए 1 करोड़ थी टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम वाटर चार्ज कितना लेके चलते हैं, उसमें हम वाटर चार्ज हम कितना लेते हैं, वाटर चार्ज के लिए हम जो लेते हैं 5-8% के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 5-8% लेते हैं, तो ये हमारा 4 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है, ऑफ द टोटल इस्टीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन यूजली अकाउंट फॉर। टोटल, जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग की है, उसमें इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए कितना कॉस्ट होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए जो हम चार्ज लेके चलते हैं टोटल कॉस्ट का, वो हम कितना लेके चलते हैं, वो उसमें जो बिजली के खर्चे आएंगे, जैसे वायरिंग्स वगैरह होंगी और सारी चीज़ें, जो भी बिजली का जितना भी वहाँ पे इलेक्ट्रीफिकेशन का जितना काम होगा, उसका जो हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 8% हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज़ द राइट आंसर रहा। ए रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेक्शन एस्टीमेट एक्सीड। ठीक है, अगर हम रिवाइज एस्टीमेट हम कब बनाते हैं, रिवाइज एस्टीमेट हम उस केस में बनाते हैं, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट था 1 लाख का प्रोजेक्ट था। ठीक है, 1 लाख का प्रोजेक्ट था, अब हमने जब उसका एस्टीमेट पूरा रिवाइज, उसका एस्टीमेट हमने तैयार किया, तो हमने देखा कि जो है ये तो 1 लाख से बहुत ज़्यादा हो गया, 1 लाख से 5% बढ़ गया। तो अगर हमने, अगर 5% 1 लाख से अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5% से एक्सीड कर, इंक्रीज हो रहा है, अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो
तो उसे हम तो तब हम क्या करेंगे, तो अपने इस्टीमेट को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उस इस्टीमेट को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवाइज इस्टीमेट बोलते हैं। रिवाइज इस्टीमेट हम कब करेंगे, जब हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का जितना था उससे अगर कॉस्ट जो है 5% एक्सीड कर जाती है, तब हमें रिवाइज इस्टीमेट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा 6 का बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिटेल इस्टीमेट द प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज इज यूजली। डिटेल इस्टीमेट जब हम करते हैं उसमें कॉन्टीजेंसीज आइटम्स, अनफोर्सीन आइटम्स जिसे हम बोलते हैं, जिसको हमें पता नहीं होता वो प्रोजेक्ट में कभी भी आ सकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसीज बोलते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था पहला क्या, 1%, 3-5%, सी 10%, 12-15%। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा, 3-5% लेके हम चलते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरली द प्रोविजन फॉर सुपरविजन चार्ज कितना होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगा, प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा, ठीक है, अपने उसमें काम करवाएगा, उसको सुपरविजन करेगा, तो उसका जो चार्ज होता है कितना होता है, 10-15% जो होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, वो सुपरविजन चार्ज में जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, डी इज़ द राइट आंसर। अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द आइटम्स ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। जब हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या नहीं कंसीडर करते, इसमें जो है ओपन स्पेसेस को हम क्या करते हैं, ओपन स्पेसेस को हम नहीं कंसीडर करते। ठीक है, ओपन स्पेसेस में कौन कौन से आ गया, जैसे कोर्टयार्ड आ गया, ठीक है, या फिर वरांदा आ गया, या फिर आपका कोर्टयार्ड, हमने क्या बताया था, जब हम पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। देखो, जब हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करते हैं, एक मिनट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आप लोग थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। यहाँ पे ये है, ये मान लीजिए कोई, ये है हमारी कोई प्लॉट है, ये हमारा कोई प्लॉट, प्लॉट का साइज है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग बनवाई, हमने इतने एरिया में हमने क्या किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया। तो इसमें हमने जब कंस्ट्रक्शन कराया तो इसी के जो हमने इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है, जितने में हमने अपनी बिल्डिंग बनाई है उसी को हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बोलते हैं। इसमें जो होता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हम कोर्टयार्ड, ओपन स्पेसेस जो होते हैं उसको हम कोर्टयार्ड वगैरह जो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो हमने इसमें मान लीजिए इसमें हमने बिल्डिंग बना दी, तो जो हमने बिल्डिंग बनाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वॉल थिकनेस, ये सब वॉल थिकनेस आएंगी, वरांदा की एरिया जो यहाँ पे वरांदा हमने दिया, और WC वाटर क्लोजेट वगैरह जितना, वो सब हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो है सिर्फ हम क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे, कोर्टयार्ड की एरिया जो है उसमें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टीमेट, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टीमेट, डिटेल, जब हम डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं तो क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 मीटर, एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.,  यहाँ पे देखो ये दोनों जगह पे क्या गलती हुई है, यहाँ पे होगा 0.01 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और यहाँ पे होगा, यहाँ भी होगा 0.01 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर। तो जब हम डिटेल एस्टीमेट करते हैं तो हम डायमेंशन जो मेजर करते हैं 0.01 मीटर तक करेक्ट लेके चलते हैं, एरिया जो है 0.01 स्क्वायर मीटर तक, डायमेंशन हम 0.01 मीटर, ठीक है, और एरिया को 0.01 स्क्वायर मीटर, और जो है हमारा वॉल्यूम को जो हम लेके चलते हैं उसमें है 0.01 क्यूबिक
मीटर, इतना हम वैल्यू में करेक्ट एरिया के करेक्ट एरिया करेक्ट वैल्यू में और करेक्ट डायमेंशन हम लेके चलते हैं। ठीक है, कब लेके चलते हैं, जब हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 10 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर इलेक्ट्रिक फैन ETC अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टेकन अंडर कंसीडरेशन। इलेक्ट्रिक फैंस के लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा, जो भी हम कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह के लिए हम तो कितना परसेंट हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका, जो है इलेक्ट्रिक फैंस के लिए हम 4% लेके 4% लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का फॉर इलेक्ट्रिक फैंस ETC इलेक्ट्रिक फैंस हो गया या एक्सपेक्टर मतलब एक्सेप्टर है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज टेकन अंडर कंसीडरेशन। इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह या वो सब चार्जेस के लिए हम जो है 4% लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा हमारा। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बुल्टअप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया वो एरिया होती है जिसने, जैसे माना ये हमारा प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर हमने इतने में क्या कराया, कंस्ट्रक्शन कराया या घर बनाया, तो इसी एरिया को जो हम बोलते हैं, इसी को प्लिंथ एरिया हम बोलते हैं। ठीक है, द यूजबल कवर्ड एरिया ऑफ ए रूम्स एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो वाली एरिया होती है जो यूजबल होती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उस कारपेट एरिया में से कारपेट एरिया जो बराबर होता है वो प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में से अगर हम वॉल की थिकनेस माइनस कर देंगे तो वो हमारा कारपेट एरिया निकल के आ जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही है। द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एलॉन्ग विद एरिया ऑफ इट्स किचन स्टोर लेबोरेटरी बाथरूम एंड ग्लेज वरांडा इज कॉल्ड फ्लोर एरिया। ये सब किस में आ जाएगा, फ्लोर एरिया में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया। अब यहाँ पे कारपेट एरिया की बात कर रहा है। कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया द वॉल्स अलॉन्ग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग या वरांडा कॉरिडोर एंड पैसेज बाथरूम एंड लेवेटरी किचन्स एंड पैंट्री। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन, या डी नॉन ऑफ दीज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड, इसमें जो वॉल की थिकनेस हम नहीं लेके चलते हैं, विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपनिंग ये सब भी नहीं होता इसमें। ठीक है, वरांडा है, कॉरिडोर है एंड पैसेज वगैरह है, जो बाथरूम है, लेवेटरी है, किचन है, ये सब इसमें कारपेट एरिया में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। कारपेट एरिया क्या होती है, बराबर प्लिंथ एरिया में से ये सब एरिया को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास निकल के आता है कारपेट एरिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकोनी अप टू। जो फ्लोर एरिया होती है वो इंक्लूड होती है एरिया ऑफ बालकोनी, कहाँ कितने परसेंट तक हम कर सकते हैं, वो जो होता है बालकोनी का 50% तक होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 ये है। ए हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑफ 150 बेड्स इज कंस्ट्रक्टेड इन हरियाणा इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ RS 25 लाख। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए स्मॉल हॉस्पिटल ऑफ 35 बेड्स इन सिमिलर लोकेलिटी बाई यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसमें 150 बेड्स हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कराने का खर्चा जो आ रहा है 25 लाख रुपए आ रहे हैं, और हमें फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट करना है कितने बेड का, ये 150 बेड का दे रखा है, 25 लाख आ रहा है, हमें 35 बेड्स का फाइंड आउट करना है बाई किसके द्वारा, बाई यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड के द्वारा। तो हमारा जो सिंपल मेथड है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं। 150 बेड का दिया हुआ है, कितने लाख लग रहे हैं पैसे, 25 रुपये। ठीक है, तो एक बेड का हम निकाल लेंगे, एक बेड का कितना लगेगा, 25/150। ठीक है,
तो जब हमें एक बेड का पता चल गया तो हम 35 बेड का निकाल सकते हैं। अब हम 35 बेड का निकाल लेंगे तो 35 का कितना, 35 × 25/150, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 5.8333 लाख आएगा। इसको हम लाख को चेंज कर देंगे रुपए में, इसमें तो हम जब इसको रुपए में चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा 58,583,333 रुपए, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का, द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर, देन इट्स कारपेट एरिया। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कारपेट एरिया पूछ रहा है। रेक्टेंगल कोई बिल्डिंग प्लान ऑफ बिल्डिंग है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में कोई बिल्डिंग का प्लान है, ये रहा। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन। सेंटर लाइन डायमेंशन जो है ये कितनी दे रखी, 10.3 × 15.3 मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन दे रखी है सेंटर लाइन डायमेंशन। और जो हमें वॉल्स आउटर वॉल्स इन सुपर स्ट्रक्चर में जो दे रखा है वो कितना है, 0.3, ये हमने इसका सेंटर लाइन बना लिया। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है कितना दे रखा है, ये 0.3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की तो डायमेंशन हमें दे रखी है, सेंटर लाइन डायमेंशन हमको क्या क्वेश्चंस में सेंटर लाइन डायमेंशन गिवन है, कितना है ये 10.30, और ये वाली डायमेंशन जो हमें दे रखी है 15.3 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10.3 माइनस, ब्रेथ निकालने के लिए अंदर हमें क्या है, कारपेट एरिया हमें अंदर वाला लेना है। उसमें कारपेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ का जो एरिया होता है उसको हम किससे माइनस कर देते हैं, वॉल की थिकनेस हमें माइनस करनी होती है। तो वॉल की थिकनेस पॉइंट थ्री, ये टोटल कितना है, 0.3 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.15 हम इधर से लेंगे और 0.15 हम किधर से लेंगे, इधर से लेंगे। तो 0.15 + 0.15 इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 10 के बराबर आएगा। तो ऐसे हम लेंथ में निकालेंगे, तो लेंथ कितना है, 15.3 − 0.15 इधर से, 0.15 इधर से, ठीक है। 0.15 + 0.15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है यहाँ पे, 15 है, ब्रेथ कितना है, इंटू 10 है, तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं अपना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, एक बिल्डिंग का प्लान एरिया दे रखा था जिसमें कि सेंट्रल लाइन डायमेंशन दे रखी थी। ये वाली डायमेंशन क्वेश्चन में दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा था, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो उसके बाद वॉल की थिकनेस दे रखी थी 0.3 मीटर। तो कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया में हमेशा हम क्या करते हैं, वॉल की थिकनेस को माइनस लेके वॉल की थिकनेस को हम हटा देते हैं, तो वो जो टोटल एरिया आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। तो हमने ऐसे करके सॉल्व किया तो हमारा ऑप्शन आ गया ए 150 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेमी कोरुगेटेड
और ट्रेफोर्ड सीट हैज ए स्टैंडर्ड विड्थ। जो सेमी कोरोगेटेड सीट आती है उसकी स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है? सेमी कोरोगेटेड सीट की स्टैंडर्ड विड्थ जो हम लोग मानते हैं वो 1.10 मीटर में वो आती है। अब ये सेमी कोरोगेटेड सीट क्या होती है इसके बारे में हम आप लोगों को अभी इमेज दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा फिगर, जो आप लोगों को यहाँ पे फिगर नंबर वन आप लोग देख रहे हैं और फिगर नंबर टू। ये जो फिगर नंबर वन है ये कोरोगेटेड सीट है, ठीक है, कोरोगेटेड सीट है। और ये जो फिगर नंबर टू आप लोग देख रहे हैं ये नॉन कोरोगेटेड सीट है, नॉन कोरोगेटेड सीट। इसकी जो स्टैंडर्ड ये वाली विड्थ जो होती है वो कितनी होती है? 1.10 मीटर में ये मार्केट में मिलती है, ये इसकी स्टैंडर्ड विड्थ होती है। और इसमें इसका जो एलिवेशंस होता है वो एक गैप एलिवेशंस के बीच में कुछ डिस्टेंस होते हैं, फिर उसके बाद वो सिमिलर चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारी कोरोगेटेड सीट होती है उसमें एलिवेशन जो है सेम चलते रहते हैं, ठीक है, कहीं पे गैप नहीं होता, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, इसीलिए इसको हम नॉन कोरोगेटेड सीट बोलते हैं और इसको कोरोगेटेड सीट बोलते हैं। फिगर से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कोरोगेटेड सीट्स क्या होती है, ठीक है। कभी कभी किसी को पता ही नहीं होता कोरोगेटेड सीट जो होती कैसी होती है, कि दिखने में कैसी होती है, तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया मिला होगा कुछ। अब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद सेंटर लाइन डायमेंशन। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन, सेंटर लाइन डायमेंशन कितना दिया? ऑफ आउटर वॉल एज 14.7 × 14.7 मीटर, ठीक है। जो स्क्वायर है जाहिर सी बात है तो दोनों डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। तो सेंटर लाइन डायमेंशन दे रखी है। अब हम पहले बनाते हैं फिगर। ये रहा हमारा स्क्वायर, हमने बना दिया। अब हम दिखाते हैं इसमें सेंटर लाइन डायमेंशन। ये है सेंट्रल लाइन डायमेंशन। सेंट्रल लाइन डायमेंशन जो क्वेश्चंस में दे रखी है कितना कितना दे रखी है देखते हैं। ये दे रखी है आपकी 14.7 और ये भी आपकी दे रखी है कितना? जब स्क्वायर है, जब ये 14.7 है तो ये भी क्या होगा? 14.7 है। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में देखते हैं। इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर 0.30 और थिकनेस जो वॉल की दे रखी है 0.30 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देन इट्स प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया पूछ रहा है, ठीक है। प्लिंथ एरिया इसका कितना होगा? तो प्लिंथ एरिया निकालने के लिए हमें वॉल की थिकनेस हमें टोटल लेनी पड़ेगी इसमें, क्यों? प्लिंथ एरिया जो होता है वो टोटल हम लेके चलते हैं। जो कारपेट एरिया जब हम निकालते हैं उसमें से क्या करते हैं? वॉल की थिकनेस हम माइनस करते हैं। इसमें हमें टोटल वॉल की थिकनेस हमें लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 14.7 प्लस में क्या आएगा? 0.15 इधर से और 0.15 इधर से, दोनों को ऐड करेंगे। 0.15 प्लस 0.15 ये बराबर हो जाएगा 15 के, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। इसके बाद हम करेंगे 14.7 प्लस 0.15 इधर बचा हुआ है, 0.15 इधर बचा हुआ है, तो अब हम क्या है? 0.15 प्लस 0.15 ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 को, 15 के। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया, प्लिंथ एरिया निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 × 15 कितना हो गया? 225 मीटर इसके बाद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट।
जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट किसी प्रोजेक्ट का करते हैं तो उसमें हम मेन फैक्टर्स क्या क्या हम कंसीडर करके लेके चलते हैं, ठीक है, क्या क्या हम लेते हैं या कि क्या क्या हम उसमें सावधानियाँ बरतते हैं, मेन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। पहला, लोकेशन ऑफ साइट एंड लोकल लेबर चार्ज, साइट की लोकेशन कैसी है, ठीक है, या वहाँ पे जो लेबर हमने बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन में हमारा चल रहा है उसमें हमने जो लेबर रख रखा है उस लेबर का चार्ज कितना है, या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सो मटेरियल जैसे हम किसी दूसरी सिटी से मंगा रहे हैं या मटेरियल बहुत दूर से आ रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन सो मटेरियल कैसे आ रहा है ये भी हम चेक करेंगे। अगर मटेरियल हम बहुत दूर से मंगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से मंगा रहे हैं तो वहाँ खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा मटेरियल भी हमें पास से पास मिल जाएंगे तो हमारा थोड़ा ट्रेवल का क्या करेगा, खर्चा भी कम होगा। तो यहाँ पे सी है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये भी चेक करेंगे। जाहिर सी बात है अगर जहाँ पे हमने मान लीजिए इस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और मटेरियल कहीं दूर बहुत दूर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा, कैसे आएगा, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आएगा तो उसमें क्या होगा, पैसे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अगर यहीं कहीं से हमारा क्या होगा पास में कहीं होता तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो ये तीनों बातें तीनों फैक्टर्स हम लेके चलेंगे, ठीक है, मेन फैक्टर्स यही हैं। प्रिपेयरिंग है, डिटेल एस्टिमेट जब हम बनाएंगे तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो अगर ये सब बहुत दूर से आ रहा है, साइट लोकेशन ऐसी जगह है, लोकल लेबर नहीं वहाँ पे मिल पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का सुविधा बहुत आसपास नहीं है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा 20 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कार्पेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया, कार्पेट एरिया हमने बताया था कार्पेट एरिया में क्या नहीं आता, कार्पेट एरिया में जो होता है वॉल्स अलोंग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग वरांदा कॉरिडोर एंड पैसेज बाथरूम एंड लेवेटरी, इसमें ये जो होता है हमारा कौन सा होगा, 21 का डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिज़ाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कॉलम इज यूजली टेकन एज, इसमें क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिज़ाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कॉलम इज यूजली टेकन एज, तो इसमें हम कितना लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिज़ाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कॉलम इज यूजली टेकन है, ए 10-15%, बी 5-10%, सी 1-5%, डी 15-20%। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर हम एब्सेंस डिटेल डिज़ाइनिंग हमने नहीं की है तो परसेंटेज डिटेल डिज़ाइनिंग नहीं की है हमने कॉन्क्रीट में कितना, नंबर 22, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल डिज़ाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कॉलम इज टेकन एज 10-15%, 5-10%, सी 1-5%, डी 15-20%। अगर हमने डिज़ाइन डिटेल डिज़ाइनिंग हमने स्टील कितना हमारे कंक्रीट कॉलम में स्टील लगेगा उसकी हमने डिज़ाइनिंग ही नहीं की, तब उस केस में हमें कितना परसेंटेज लेके चलना पड़ेगा स्टील का उसमें कॉलम में लगाने के लिए, तो उसका जो हम कितना लेके चलते हैं 1-5% हम लेके चलेंगे, ठीक है, 1-5% लेते हैं, इतनी स्टील हम लमसम मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी इज़ द राइट आंसर। अब हम ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक बट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड सॉइलिंग सोरिंग डीपीसी, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक बट बिलो द फाउंडेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल, जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ब्रिक्स की हम यहाँ पे क्या करते हैं लेयर बिछाते हैं, लेयर बिछाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं पीसीसी करते हैं, तो उसके बाद हम पीसीसी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो बोलते हैं उसको हम सॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है, सॉइलिंग बोलते हैं। डीपीसी क्या होता है, डीपीसी हम प्लिंथ के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट की या किसी भी मटेरियल की, प्लास्टिक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो डैम्पनेस को अपने बिल्डिंग को डैम्पनेस से बचाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सोरिंग हम
कहाँ पे यूज करते हैं, सोरिंग हम इसके फोल्डिंग वगैरह जब हम बनाते हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर ऑफ डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड एज। तो क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर डोर विंडो इन सब में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें लेके चलते हैं। क्वांटिटी जो हम वुड फॉर डोर शटर एंड विंडो जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम क्वांटिटी मतलब जो हम वुड और डोर के लिए जो हम लकड़ी मंगाएंगे तो हम किस में ले कितने उसमें मंगाएंगे, मीटर स्क्वायर में मंगाएंगे, लमसम मंगाएंगे, मीटर क्यूब में मंगाएंगे या मीटर में मंगाएंगे। तो हम जो मंगाते हैं लकड़ी डोर वगैरह बनाने के लिए जो हम लकड़ी मंगाएंगे बाहर से, तो उसको हम लमसम में मंगाते हैं, ठीक है। तो